कांग्रेस वर्किंग कमेटी की लिस्ट जारी हो गई है। इसमें मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह समेत कई दिग्गज शामिल हैं, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का केंद्रीय कमेटी में काफी दखल माना जाता था। मोतीलाल वोरा और ताम्रध्वज साहू जैसे दिग्गज CWC में शामिल थे, लेकिन इस बार ये दोनों बाहर हैं। जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम केंद्रीय कमेटी की बैठकों में शामिल होंगे। राज्य के प्रभारी PL पुनिया वर्किंग कमेटी में स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। BJP ने इस लिस्ट पर तंज कसा है और कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र ना होने और छत्तीसगढ़ की अवहेलना का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस के क्या वजूद है केंद्र में, इस पुनर्गठन से समझ में आ रहा है कि जब छत्तीसगढ़ के जो थे उनको भी निकाल दिए गए और एक भी को ऐसा लायक नहीं समझा कि CWC में उनको लिया जाए, इससे कांग्रेस की अहमियत केंद्र स्तर पर क्या है प्रदेश की, ये आज समझने की जरूरत है। आखिर छत्तीसगढ़ के जो हमारे सम्मानित कांग्रेस के साथी हैं, उनकी कुछ तो हैसियत होनी चाहिए दिल्ली में। पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस की सर्वोच्च कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ प्रदेश से किसी को भी स्थान नहीं दिया गया है। हालांकि राज्य में पार्टी के नेता ये उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ से नेताओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। मोतीलाल वोरा के हटने की वजह उनकी उम्र माना जा रहा है, लेकिन ताम्रध्वज साहू के लिए ये किसी झटके से कम नहीं। हालांकि प्रदेश कांग्रेस इसे कोई बड़ा इशू नहीं मानती। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम उसके सदस्य हैं। इसी के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी PL पुनिया स्थायी आमंत्रित के रूप में हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के 3 लोग हर कार्य समिति की बैठक में होंगे। भाजपा के द्वारा जो बात कही जा रही है वो ना समझी में कही जा रही है। कांग्रेस भले ही आलाकमान के इस फैसले पर खुलकर कोई प्रतिक्रिया ना दे, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राष्ट्रीय स्तर पर जिस तेजी से एक सर्वमान्य नेता के तौर पर उभरे हैं, उनके समर्थकों और प्रदेश कांग्रेस के लिए थोड़ी निराशा की बात तो है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। CWC में उपेक्षा क्यों, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल कल लिस्ट आई और लिस्ट में छत्तीसगढ़ का कोई भी नेता कांग्रेस का शामिल नहीं था। इससे पहले जैसा आपने रिपोर्ट में देखा, मोतीलाल वोरा और ताम्रध्वज साहू शामिल रहे हैं, लेकिन क्या वजह रही कि इस बार कोई भी नेता इसमें शामिल नहीं हो पाया, जबकि छत्तीसगढ़ का दखल 2018 से और उससे पहले भी कई यहाँ पर देखा जाता रहा है, कई बड़े नेता इसमें शामिल होते रहे। क्या वजह है कि इस बार कोई भी इसमें शामिल नहीं है? हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठकों में शामिल होते रहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर, तो एक सर्वमान्य नेता के तौर पर, एक बड़े नेता के तौर पर छत्तीसगढ़ में और राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से उनका कद बढ़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ताम्रध्वज साहू जो गृह मंत्री, उनके लिए निश्चित रूप से बड़ा झटका है। सांसद के तौर पर वो शामिल जरूर थे। बहरहाल सियासत इस पर शुरू हो गई है, बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया, बीजेपी को बैठे बिठाए मौका मिला है। और क्या छत्तीसगढ़ के नेताओं की कोई अहमियत नहीं है, ये वो कहते हुए यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। चर्चा आज इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो कमेटी में फेरबदल हुआ है, दो छत्तीसगढ़ के दिग्गजों को बाहर किया गया, इसे किस नज़रिए से देखा जाना चाहिए, क्या इसके सियासी मायने हैं और क्या इसका मतलब निकाला जाए। खास मेहमान हमारे साथ हैं, सुरेंद्र शर्मा जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत। सच्चिदानंद उपासनी जी हमारे साथ हैं भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, EV मुरली जी। और सबसे पहले मैं सुरेंद्र शर्मा जी आपसे सवाल करूंगा, CWC में जो बड़े दिग्गज थे वो बाहर हो गए, सवाल तो लोग करेंगे, क्या वजह इसकी माने जाए, क्या मायने निकाले जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े चिंतित हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जो केंद्रीय कार्य समिति के गठन को लेकर के। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले आप अपने घर को थोड़ा ठीक ठाक कर लीजिए। आपके छत्तीसगढ़ में ही पूरा आपका कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया है। और एक बात समझ लीजिए अभिषेक जी, इसमें कांग्रेस के लिए या छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के लिए किसी तरह की कोई निराशाजनक बात नहीं है। कोई भी हमारे दल का नेता होता है वो टीम का कप्तान होता है,
वक्त परिस्थिति के हिसाब से किसको ओपन कराना है, किसको बीच में खिलाना है, किसको फील्डिंग करना है, किसको बॉलिंग करना है, किसको रिजर्व में रखना है, ये कप्तान की जिम्मेदारी होती है। उसको मैच जीतना है, उसको चुनाव जीतना है। भारत के सामने जो आज राष्ट्रीय परिदृश्य उपस्थित है, उन सारे चीजों को देखते हुए एक बात तो समझ लीजिए आप, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में है और यहाँ के नेता माननीय भूपेश बघेल जी और माननीय मोहन मरकाम जी दोनों प्रतिनिधित्व करेंगे ही। और एक तरफ से आप ये कह सकते हैं कि पिछले काफी अरसे से पीएल पुनिया जी छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लगातार गांव गांव जाकर के बूथ बूथ जाकर के उन्होंने रुचि लिया है, तो उनको आप छत्तीसगढ़ का ही आदमी मान सकते हैं और छत्तीसगढ़िया लोग करीब करीब उनको छत्तीसगढ़िया मानते भी हैं। तो हमारा प्रतिनिधित्व वहां कम नहीं है। दूसरी बात, मुख्य रूप से जहां तक बात है, शीर्ष नेता हमारी श्रीमती सोनिया गांधी स्वयं छत्तीसगढ़ के प्रति रुचि रखती हैं, यहाँ के आदिवासी इलाकों के संबंध में हमेशा जानकारी लेती हैं, तो इसलिए इसमें कोई निराशाजनक बात नहीं है। माननीय ताम्रध्वज साहू जी गृह मंत्री का गुरुतर दायित्व निभा रहे हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं छत्तीसगढ़ की, और माननीय मोतीलाल वोरा जी के आयु को देखते हुए शायद उनको अवकाश दिया गया होगा। मगर कुल मिला के अगर देखा जाए तो केंद्रीय कार्य समिति का गठन बहुत ही अच्छा हुआ है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के खुश होने लायक कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में समस्या ही बढ़ेगी, ये मेरा मानना है। ठीक, एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता होने के नाते आपसे इसी जवाब की उम्मीद कोई भी करता है, अपेक्षा करता है, लेकिन ये फिर भी कहा जाएगा दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। सच्चिदानंद उपासने जी, आप लोग किस तरीके से देखते हैं, क्या सियासी मायने आप लोग निकाल रहे हैं? आप लोगों ने तो बड़े मजे लेने भी शुरू कर दिए। जनता सोच रही है आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिस प्रकार से कह रहे हैं कि मजबूत स्थिति में है, देश के कुछ राज्यों में से गिने चुने राज्यों में कहीं सत्ता पर है तो छत्तीसगढ़ में है। सत्ता में रही हो या ना रही हो, छत्तीसगढ़ के पहले मध्य प्रदेश भी जब था पूर्ण राज्य था उस समय भी, और लगातार जो है छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के और कार्यकारिणी में रहा है और महत्वपूर्ण पदों पर रहा है, चाहे विद्याचरण शुक्ल जी रहे हों, चाहे मोतीलाल वोरा जी रहे, चाहे नेताम जी रहे हों, चाहे ताम्रध्वज साहू जी रहे हों। और जो ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग संतुष्ट हैं, तो मुख्यमंत्री तो सामान्यतः सभी राजनीतिक दलों में मुख्यमंत्री है, नेता प्रतिपक्ष यदि है तो वो एक सामान्यतः स्थायी आमंत्रित सदस्य होते ही है, और प्रदेश के जो प्रभारी होते हैं वो भी होते हैं, एक राष्ट्रीय महामंत्री के नाते वो तो वैसे ही उसमें शामिल होंगे। तो इसको लेकर यदि खुश हैं तो निश्चित रूप से खुश रहे। उसको तो लगता है कि जो प्रजातंत्र की बात सुरजेवाला जी जब ये पत्र लिखा गया 23 लोगों के द्वारा, तो कहा गया था कि भाई पार्टी में लोकतंत्र है इसलिए हर किसी को बोलने का लिखने का अधिकार है, लेकिन कितना लोकतंत्र है ये भी खुलकर सामने आ गया कि जिन लोगों ने पत्र लिखा तो राहुल गांधी जी का मार्ग प्रशस्त हो जाए आगे, इसलिए उनके सारे रास्ते बंद कर दिए गए वर्षों से। वो इंदिरा जी के समय से अनेक लोग कार्यकारिणी में अपना स्थान रखते थे, प्रतिनिधित्व करते थे, वो ओरा जी छत्तीसगढ़ में वर्षों से यहाँ से रहे हैं, अब उम्र का तकाजा बता जा रहा है तो उम्र के कारण उनको हटा दिया गया। अभी तो आप कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी में थे, उनको जब आप नहीं पटी बात तो सोनिया जी को बना दिया। तो ये जो बातें हैं ये कांग्रेस में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के नेतृत्व के प्रति कहीं ना कहीं असंतोष व्याप्त हो दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से केंद्र की राजनीति ज्यादा दिख रही है, प्रदेश की राजनीति कम दिख रही है। तो ये भी खतरा नजर आता है कांग्रेस में वंशवाद को, कि जब यदि कोई ज्यादा पर खुल जाता है और वंशवाद से ऊपर अपने आप को कोई दिखाने लगता है तो पर काटने की भी राजनीति जो है और कांग्रेस में वंशवाद के द्वारा की जाती है, इतिहास साक्षी है, इसी छत्तीसगढ़ का इतिहास है। इसलिए मुझको लगता है कि ये सारे समीकरण जो है केंद्र के उस वंशवाद के नजरों में आए हैं जिसके कारण से छत्तीसगढ़ को स्थान नहीं मिल पाया है। चलिए, ये एक आप लोगों के सियासी अंदाज है, सियासी मायने आप लोग निकाल रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ ईवी मुरली जी भी है। मुरली जी, क्या वाकई इसे कांग्रेस के लिए झटका माना जाए या सत्ता में है, क्या समीकरण बनते हैं, क्या आप सोचते हैं इसको लेकर? अभिषेक जी,
सीडब्ल्यूसी का भी जो गठन हुआ है उसमें अगर कांग्रेस की राजनीति में छत्तीसगढ़ से किसी को नहीं लेना, ये छत्तीसगढ़ के लिए स्वाभाविक रूप से एक नुकसान है, एक झटका है, इसलिए क्योंकि यदि छत्तीसगढ़ से किसी को नहीं लिया गया है तो कांग्रेस आलाकमान का ये मानना है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश से सीडब्ल्यूसी में नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं है, उस तरह का जो इसका फोकस जो राष्ट्रीय राजनीति में जिसका फोकस है ऐसे किसी को वो यहाँ से उभार नहीं पाया है। क्योंकि पहले आप देखेंगे कि चरणदास महंत जी वहाँ पे मिनिस्टर हुआ करते थे यूपीए में, ताम्रध्वज साहू जी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, तो ये दोनों ही राजनीति में स्टेट पॉलिटिक्स की ओर रुख कर गया है, तो एक निश्चित रूप से वैक्यूम क्रिएट हो गया है। आप देखेंगे पिछले 15 साल में जब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे शासन था उस समय में कांग्रेस ने अपने किसी ऐसे नेता को यहाँ पे इवॉल्व नहीं कर पाया, ऐसे किसी को डेवलप नहीं कर पाया जो राजनीति दिल्ली में करे। हमेशा हमारे यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है कांग्रेस में, लेकिन जो भी नेता है सबका फोकस जो है वो स्टेट पॉलिटिक्स में है, नेशनल पॉलिटिक्स में कम है। शायद नेशनल पॉलिटिक्स में कम होने के कारण सीडब्ल्यूसी में किसी को नहीं लिया गया होगा। और सवाल आपने उठा दिया कि ऐसा क्यों कि नेशनल पॉलिटिक्स में कम है स्टेट में ज्यादा है, क्या सरकार में है इसलिए? नहीं, इसमें दो कारण हो सकता है। आप पहले देखेंगे कि विद्याचरण जी जो थे वो हमेशा उनका एक फोकस नेशनल पॉलिटिक्स में रहा है। मोतीलाल वोरा जी का भी जो पहला फोकस था उनका निश्चित रूप से स्टेट में था जब मध्य प्रदेश थे, उसके बाद वो जब से दिल्ली रुक कर गए हैं तो उनका हमेशा कॉन्सेंट्रेशन दिल्ली में रहा है और नेशनल पॉलिटिक्स में रहा है, और जो भी पॉलिसी है कांग्रेस का उसके तहत वो नेशनलिस्टिक रूप में वो जुड़ा रहा है, और जितने भी टैलेंटेड और बड़े नेता है सबका फोकस जो दिल्ली में रहा है वो सीडब्ल्यूसी में किसी न किसी तरह से या एसीसी के जनरल सेक्रेटरीज बने हुए हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई लीडरशिप नहीं है या लीडर नहीं है जिसका फोकस दिल्ली की ओर हो, तो जब तक दिल्ली की ओर फोकस नहीं होगा तब तक सीडब्ल्यूसी में घुस पाना थोड़ा मुश्किल है। नेशनल लीडर नहीं है, नेशनल लीडर तो स्टेट लेवल पर नेशनल लीडर हमारे पास बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका फोकस नेशनलिस्टिक हो, नेशनलिस्टिक मेरा सेंस कहने का मतलब है कि जिसका दिल्ली रुख करने का है, दिल्ली में राष्ट्रीय राजनीति में दखल देने की बात हो, वैसा कोई हमारे पास नहीं है इस वक्त कांग्रेस में, क्योंकि सबका फोकस जो है स्टेट में है, स्टेट में। क्योंकि दिल्ली में पॉलिटिक्स करना, दिल्ली में राजनीति करना एक अलग तरीके का होता है, उसमें कुछ जवाब लेता हूँ सुरेंद्र जी, ऐसा वैक्यूम क्यों क्रिएट हो गया? क्या राष्ट्रीय राजनीति में आप लोग कहीं कमजोर पड़ते इसलिए राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी लेना यहाँ के नेताओं ने कम कर दिया, या और कोई वजह आप तलाशते? देखिए अक्षय जी, पहले मैं इस बात का जवाब दूं, उसके पहले सच्चिदानंद उपासना जी ने एक प्रश्न उठाया कि 23 लोगों ने जो पत्र लिखा और उसके पर कतरने के लिए सब किया गया है। मैं उपासना जी को और आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूँ कि उसमें से किसी को भी बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया है। उनमें से अधिकांश लोग केंद्रीय वर्किंग कमेटी में है, मुकुल वासनिक को तो पदोन्नत करके उसमें महासचिव बनाया गया है। अब जहां तक प्रश्न है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने की रुचि का अभाव, ये मुरली जी के बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं, मगर बात यह है कि पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से छत्तीसगढ़ में थी और जिस तरह से लगातार हमको छत्तीसगढ़ में लोकसभा में पराजय का सामना करना पड़ा, इन परिस्थितियों के कारण तमाम यहाँ के नेताओं ने राज्य में अपना ध्यान केंद्रित किया, और ध्यान केंद्रित करने की वजह से अभी मूलतः यहाँ पर पूरी तरह से लोग जो है कांग्रेस के नेतागण छत्तीसगढ़ पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। मगर ये बात भी सही है कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी उत्तर प्रदेश में भी जाकर के चुनाव प्रचार कर चुके हैं और कई जगह की उनको जिम्मेदारी मिली है, अभी आने वाले चुनाव होंगे अन्य राज्यों में, उनमें बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं को मिलेगी। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी टीम पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी आप इंतजार तो कीजिए, अभी तो बहुत सारे पदों पर नियुक्ति होनी है और निश्चित रूप से आने वाले समय में केंद्रीय राजनीति में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता पर्याप्त तादाद में दिखेंगे, पर्याप्त प्रतिभा के साथ दिखेंगे,
पर्याप्त सक्षमता के साथ सुरेंद्र जी, जो आप और बोल रहे हैं उससे क्या हम ये भी माने कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मजबूत हुए हैं राष्ट्रीय नेतृत्व की नजर में और उनका कद बढ़ा है? नहीं, निश्चित रूप से माननीय भूपेश बघेल जी का कद तो पहले से ही मजबूत है। उन्होंने योद्धा की तरह संघर्ष किया छत्तीसगढ़ राज्य को जीतने के लिए। उनके खिलाफ क्या क्या नहीं हुआ, उनको अपनी पत्नी अपने माँ के साथ थाने में बैठना पड़ा, उनको जेल जाना पड़ा, और उन्होंने तमाम जिस ढंग से संघर्ष करके छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में जो ताकत भरी, जो उत्साह भरा, उसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी 14 सीट में आ गई। और मैं उपासना जी को स्मरण दिलाना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी में परिश्रम का महत्व है, परिक्रमा का महत्व नहीं है। उपासना जी, परिक्रमा का महत्व नहीं है, ये आप पे भी एक तंज कसने की कोशिश की उन्होंने? हम स्वीकार भी कर रहे हैं कि केंद्र की पहली प्राथमिकता छत्तीसगढ़ नहीं है। यदि वास्तव में छत्तीसगढ़ के प्रति यह भाव होता कि यहाँ छत्तीसगढ़ में और संघर्ष करके सरकार आई है, तो पहली प्राथमिकता केंद्र की होती कि पहले ही सूची में केंद्र में जो घोषित हुई है सूची, उसमें कांग्रेस जनों को छत्तीसगढ़ के विशेष महत्व दिया जाता, क्योंकि उन्होंने 15 साल के गढ़ को तोड़ा है संगठनात्मक रूप से, चाहे जमीनी लड़ाई लड़के जो कैसा कहते हैं अपना बात करते हैं, तो उस बात को मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं क्या केंद्रीय नेतृत्व इन पर उतना विश्वास नहीं कर रहा है कि आप अपने कर्मों से आए हैं, इस बात को नहीं मान रहा है। यदि वास्तव में आपकी इस बात को मानता तो पहली प्राथमिकता में यहाँ से कोई ना कोई राष्ट्रीय स्तर पर महासचिव बनता या कोई उपाध्यक्ष बनता, किसी न किसी रूप में नवाजा जाता छत्तीसगढ़ को, कि वास्तव में छत्तीसगढ़ ने विपरीत परिस्थितियों में जैसा प्रदेश में इन लोगों ने ध्यान दिया कह रहे हैं, तो सारे नेता प्रदेश में लगे हुए थे, इसलिए इनकी पहली प्राथमिकता होती कि किसी न किसी को जिन्होंने इस गढ़ को तोड़कर वहां पर जयश्री हासिल की है, तो जीतने वाले को तो पहले प्राथमिकता होती है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये कांग्रेस जनों के लिए चिंता का विषय निश्चित होना चाहिए। सुरेंद्र जी, विनिंग टीम को जगह तो दी जाती है क्योंकि आप लोगों के पास फॉर्मूला है, 15 साल की भाजपा को उखाड़ फेंका आप लोगों ने, तो आइडियाज होंगे नए बहुत सारे, तो ऐसे टीम को निश्चित रूप से जीत के बाद और उत्साह होता है कि हाँ और जगह बढ़ेगी। तो हमारी टीम से है ना अभिषेक जी, पीएल पुनिया जी हमारी टीम के मेंबर है, हमारे टीम के अगुवा है, हमारे मार्गदर्शक है, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने जी तो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मगर वो तो प्रभारी छत्तीसगढ़ के हैं, उनकी पहचान छत्तीसगढ़ के विजेता के रूप में है, छत्तीसगढ़ सरकार के गठन में उनकी भूमिका रही है, वो यहाँ के छत्तीसगढ़ के गांव गांव में बूथ बूथ में जाकर के उन्होंने काम किया है। मैं आपको एकदम स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि हमारा एक पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ कांग्रेस अपने आप में एक यूनिट है और यूनिट में पूरी तरह से सक्रियता पूर्वक काम हो रहा है। जरा भी निराशा नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। आने वाले समय, हमको पता है ना, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को बड़ी भूमिका मिलनी है, हमको इस बात की जानकारी है, हम आपको कह रहे हैं, हम इसलिए आश्वस्त है कि छत्तीसगढ़ की उपेक्षा मतलब नहीं है आपको पास अभी? नहीं नहीं, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस पार्टी को बड़ी अपेक्षा है और बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी छत्तीसगढ़ को। नहीं, इनको बता दिया गया था पहले से कि भाई अभी आप पहली सूची में आप नहीं रहेंगे, बाद में आप जब कोई बचेगा तो आपको स्थान दिया जाएगा छत्तीसगढ़ को, अभी आप लोग आराम करिए, अभी आपकी जरूरत नहीं है केंद्र को, जब जरूरत होगी तब आपको स्थान दिया जाएगा, ऐसा बता कर इनको जो है सूची घोषित की गई है। हेलो सुरेंद्र जी, क्या आप लोग को कुछ ऐसा हिंट दिया गया या? जी जी, अगर मैं इस बात को जानता हूँ, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका हिंदुस्तान के राजनीति में रहेगी, और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को उखाड़ कर जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को उखाड़ कर फेंका है, उसी तरह से हिंदुस्तान से नरेंद्र मोदी जी की सरकार को उखाड़ने में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी की, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं की बड़ी भूमिका रहेगी, इस बात के प्रति मैं आश्वस्त हूँ। मुरली जी, ये तर्क आपने यहाँ पर देखा कि आगे उम्मीद अभी सुरेंद्र शर्मा जी की बची हुई है, हालांकि भाजपा के अपने तर्क यहाँ पर है कि छत्तीसगढ़ की इम्पोर्टेंस कम हो गई, लेकिन क्या आपको क्या लगता है विजय टीम में से कुछ लोगों को और जगह मिलनी थी, क्योंकि उत्साह वर्धन होता है इससे, और 15 साल बाद अगर किसी को बाहर किया है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व को भी या राष्ट्रीय टीम में भी जगह मिलती, तो वो फॉर्मूला वो टेक्निक वो शेयर कर पाते? नहीं, निश्चित रूप से अगर नई टीम बनाया गया है तो उसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस से किसी न किसी को उसमें इंक्लूड करता है तो बहुत अच्छा होता है, यहाँ के लोगों के लिए
जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनके लिए भी उत्साहवर्धक होता, पार्टी के लोगों के लिए भी उत्साहवर्धक होता, और दूसरी बात राष्ट्रीय नेतृत्व में एक नेता यहाँ से जाता है वो सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन आप देखेंगे झीरम घाटी के बाद छत्तीसगढ़ का जिस तरह से टॉप कांग्रेस लीडरशिप एलिमिनेट हुआ था, उसके बाद वो जितने बड़े नेता थे वो सारे के सारे बहुत बड़े नेता थे, वो काबिलियत थे उनमें बहुत। अब जो नया लीडरशिप इवॉल्व हो के आ रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में, तो थोड़ा सा समय लगेगा उस तरह का नेतृत्व को डेवलप करने के लिए। अभी 1.5 साल हुआ है, आने वाले समय में हो सकता है कि और भी अच्छे अच्छे लीडरशिप आए यहाँ पे, युवाओं को हो सकता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व में जाने का मौका मिले। मुझे लगता है कि अभी हमें वेट करना चाहिए, आने वाले समय में हो सकता है फिर से, ये परमानेंट तो नहीं है CWC का, आगे और भी लोगों को मौका मिलेगा, इसमें हो सकता है छत्तीसगढ़ से भी कुछ लोगों को मौका दिया जाएगा, स्पेशल इन्वाइटीज के रूप में तो है ही है, उसके अलावा भी जिन लोगों को परमानेंट मेंबरशिप के लिए थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए कि नेशनल पॉलिटिक्स में थोड़ा मुद्दे अलग होता है, थोड़ा रुख अलग होता है, जिनके कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट्स होता है वो देख परख के उन लोगों को वहां लिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में चूंकि 15 साल बाद हमारी सरकार आई है कांग्रेस की, तो हो सकता है कि और समय लगेगा परखने में, थोड़ा कांग्रेस हाईकमांड को समय लग रहा होगा, इसलिए परखने के बाद हो सकता है कि वो कुछ लोगों को लिया जाए। जी जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और सुरेंद्र जी ऐसी उम्मीद जता रहे कि आगे भी जगह मिल सकती है, निराश होने की जगह नहीं है, और निश्चित रूप से अगर वो बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण होगा। हालांकि उपासनी जी विपक्ष की भूमिका बराबर यहाँ पर निभा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी अहम चर्चा थी, CWC में कांग्रेस को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, दो दिग्गज नेता बाहर हुए तो सवाल उठना, चर्चाएं होना लाजमी थी, और चर्चा के बाद सभी के अपने अपने तर्क यहाँ पर निकल कर सामने आए। कांग्रेस अभी भी उम्मीद लगाए हुए है, तो भाजपा का कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व की नज़र में छत्तीसगढ़ की अहमियत कम हुई है, इसलिए ये नतीजा सामने आया। आज का मुद्दा में इतने, नमस्कार।